ला 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 आ गए नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी प्यारा प्यारा सुंदरी सा पेन। इस पेन को बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, गिनी चुनी चीज़ें चाहिए। कलर पेपर चाहिए, रिबन पर सीधे ढूंढा और एक छापा से 10-20 रुपये वाला पेन है। 20 रुपये वाला महंगा आता है, 10 वाला भी चलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको गोल मलोल फोल्ड करके जाना है। फोल्ड क्या करना है, मतलब रोल करके जाना है साथ साथ। फिर आपको इसको टर्न करना है और इसके नीचे वाली साइड पे जाके पेस्ट करते जाना है। बारी बारी पेस्ट करते जाए, दिमाग ख़राब करते जाए इतना। इस वीडियो में मक्खियों को पता नहीं फेमस होने का कोई इतना शौक हुआ हुआ था। मेरी वीडियो जो लाखों करोड़ों बंदे देखते हैं, मक्खियों का दिल चाहता हम भी बीजिंग चले जाएँ, हम हो जाए थे फेमस। मक्खियों ने इतना पता नहीं मसला क्या था, इनको इसी वीडियो में घुसना था। यहाँ पर मैं पेन बना रही थी तो कुछ शर्म आनी चाहिए थी कि इस बंदा एक मेहनत कर रहा है। एक तो ये फूल पहला मैंने बनाया, मेरा ऐसा बना जिस तरह की रोटी नहीं बंदे ने बनाई होती तो वो सूख के पापड़ टाइप बन जाती। तो पहला तो मेरा फ्लावर उस टाइप का बना, दूसरा तीसरा बनाया तो फिर चौथे इसकी थोड़ी शक्ल इंसानों वाली फूलों वाली आई। अब ये जब बनाना था तो पहले मैंने कहा एक एक फोल्ड करूँगी, मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, अब छेती छेती बनाना मिट्टी पाओ एक एक को फोल्ड करने को। तो मैंने 4 स्केयर्स इकट्ठे काटे, 4 सर्कल इकट्ठे काटे, और नहीं नहीं 3 सर्कल काटे, उसे राउंड राउंड किया। वैसे अगर आप इसको एक एक को बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनना है, आप घंटे 2 बनाते रहेंगे फ्लावर, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये बन गया हमारी जलेबियाँ, अब हम इन जलेबियों के बनाएंगे पकोड़े। तो गोल रोल करते जाना है इसे, और ना हाथ को ज़रा हल्का रखना, ये ना अपना पूरा वज़न उस फ्लावर के ऊपर ही बैठ के दे दें, ऐसा कुछ सीन नहीं करना। इसको आप जितना प्यार से और आराम से फोल्ड करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। अब फ्लावर्स हमारे बन गए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इस पेन को करूँगी कवर करूँगी, ताकि ये सादा जो ब्लू सा लग रहा है, 10 रुपये वाला पेन तो हमारा ना लगे, ना हमारा पेन लगे कोई महंगा सा गुची का पेन। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसे कवर करना पड़ेगा ताकि कोई पूछ भी ले पेन कौन सा है तो कह दे भाई हमने गुची से पेन ऑर्डर किया है अपना। तो मैंने पेन को फोल्ड करना शुरू किया है, तो टाइम पहले मेरे पास कम था, मम्मा गई थी क्या तुमने हर वक्त की अपना आर्ट खोल के बैठी रहती हो, अंदर आओ मेरे साथ काम करवाओ। तो एक तो टाइम पहले ही कम था, ऊपर से ट्रेजडियों पर ट्रेजडियाँ होती जा रही थी। पहले मैंने इस पेन को कवर किया, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने इसमें फैदर डाला, मैंने इसे खोला, इसमें फैदर डाला, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसे खोला ही नहीं, मैंने फैदर डाल के मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने जब देखा तो मैंने कहा इसे लिखना कैसे है, उसकी निप होती है वो तो मैंने बाहर नहीं निकाली, फिर मैंने इसकी बाहर निप फिर निकाली, मतलब 3-4 दफ़ा तो मैंने इस पेन को खोला ही। उसके बाद अब मुझे चाहिए, देखिए ये मक्खियाँ फिर इधर घूमी फिरी जा रही हैं, मैं कह रही हूँ कि इन्हें इतना फेमस होने का शौक क्यों चढ़ा, इतना तो कभी किसी टिकटॉकर का शौक नहीं होगा फेमस होने का जितना इन मक्खियों का शौक था। चले छोड़े, बेचारों को दे देते हैं फेम, क्या याद करेंगे। ये फ्लावर्स में डाले मैंने एक एक पल, यहाँ पर मैंने पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपने पेन के ऊपर। यहाँ पर मैंने ये देखी थी इन मक्खियों को तो सुकून आ नहीं रहा, पर इन मक्खियों के साथ साथ एक मेरे भाई को भी सुकून नहीं आ रहा था। बार बार ये देखी फिर आपको पाँव में उसके चाक ही गए, मैं कह के कि थक गई हाशिर आपको प्लीज़ अंदर चले जाओ, हाशिर कहते हैं नहीं आप क्या बने, बारी बारी वो इस तरह आके देखे जिस तरह कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही होती। अब अभी आपको फिर पाँव चाक करेंगे शायद, ये देखे फिर चाक ही है। पेन होने वाला है रेडी, पेन के भी आप मुझे जो जगह फिर एक तो मक्खियों ने तंग किया था, ऊपर से ट्रेजडियों पर ट्रेजडियाँ ही जा रही थी, मम्मा आवाज़ें भी जा रही थी, और हाशिर साहब के पाँवों को सुकून भी आ रहा था। यहाँ पे मैंने इसको कहा यहाँ पे पल गाते हैं, इसमें थोड़ा सुकून मुझे नहीं आ रहा था, मैंने कहा कि इसको धुल बना के छोड़ना पेन को। मैंने पेन बनाया, मैंने कहा मैं इसे लेके जाऊँगी अपने घर वापस, भी मैं नानू के घर आई थी, मैंने कहा रास्ते में ट्रैवलिंग है तो इसमें तो टूट फूट जाना है। तो नानों की वो एक मेड रखी थी बच्ची, उसी मेरे साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, उसने कहा आप ही मुझे ही अच्छा लग रहा है मैं ले लूँ, मैंने कहा क्या करोगी, कहती है मैं अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दे दूँगी, मैंने कहा ठीक है ले लो। तो वो लेके बहुत खुश हो गई थी। अच्छा अगर आपको मेरा पेन अच्छा लगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय, लव दिस।
Thank you.